अनेकों सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत पोलैंड ने जारी किया साझा बयान, प्रधानमंत्री ने भारत और पोलैंड में रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और सोशल सिक्योरिटी पैक्ट समेत कई मुद्दों पर बनी सहमति। जाम साहब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की होगी शुरुआत। पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए किया आमंत्रित। वार्सो में हुआ पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने की पीएम मोदी और भारत की जोरदार तारीफ। कहा, भारत कई क्षेत्रों में है ग्लोबल लीडर, शांति स्थापना में भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। कोलकाता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी, 5 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। बंगाल पुलिस के रवैये पर अदालत ने उठाए सवाल, डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा। निचली अदालत से संजय राय के पॉलीग्राफ टेस्ट पर कल तक फैसला देने का आदेश। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद भवन परिसर में संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक। समिति के सदस्यों की अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 वितरण समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम पुरस्कार। इसरो की चंद्रयान 3 टीम को मिला विज्ञान टीम पुरस्कार। अगले 36 घंटे में असम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल और लक्षद्वीप में मूसलाधार बारिश के आसार। अगले 7 दिन में मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और गुजरात क्षेत्र में भी भारी बारिश की चेतावनी। वहीं ओडिशा में बिजली गिरने से बीते 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत। लेंगे विस्तार से समाचार। सबसे पहले खबरें प्रधानमंत्री के पोलैंड दौरे से जुड़ी हुई। पोलैंड के पीएम के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को नई दिशा देने के लिए कई पहलों की पहचान की है। पीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनी भारत के मेगा फूड पार्क्स में निवेश के लिए आगे आए। आज हमने संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। दो लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारी पार्लियामेंट के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, आर्थिक सहयोग को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए क्षेत्र में पोलैंड वर्ल्ड लीडर्स में से है। हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनियां भारत में बनवाए जा रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े, भारत में तेज गति से हो रहे शहरीकरण से वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत के सैन्य उपकरण के आधुनिकीकरण में भाग लेने के लिए तैयार हैं। पोलैंड पूरी तरह से तैयार है भारत के सैन्य उपकरण के आधुनिकीकरण में भाग लेने के लिए। हमारे पास आवश्यक तकनीकी क्षमता है, विशेषज्ञ है हमारे। ये मुझे बहुत खुशी है कि हमें न केवल रक्षा के क्षेत्र में लेकिन सैन्य मुद्दों पर भी नहीं लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत एक वैश्विक नेता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में और जो मानव जो इन तकनीकों का उपयोग हम कई क्षेत्रों में कर रहे हैं रक्षा समेत। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत संबंधों को आगे ले जाने के लिए सहमत है और भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन युद्ध के संबंध में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आपसी जो हमारी बातचीत हुई और जिस तरीके से हमने अपने सोच विचार एक दूसरे के साथ साझा किए तो उससे हमारी समझ जो है वो काफ़ी बड़ी है, ना सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में लेकिन और बाकी बहुत जो क्षेत्र है उनके बारे में भी। प्रधानमंत्री जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है पोलैंड के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने के लिए और यूरोपीय यूनियन के साथ भी वह सहयोग करना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रधानमंत्री जी एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। और अभी ये बड़ी खबर आ रही है, एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म की। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और आश्वासन के बाद ये हड़ताल एम्स के डॉक्टरों ने खत्म की है। 11 दिन बाद एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद ये हड़ताल खत्म हुई है और ये बड़ी खबर है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अब हड़ताल खत्म कर दी है। 11 दिन से डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। काफ़ी परेशानियों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और आश्वासन के बाद ये हड़ताल खत्म हो गई है। तो एम्स के डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है। 11 दिन के बाद ये हड़ताल खत्म हुई है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है, क्या कुछ कहना है उनका? निश्चित तौर पे एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर ने हड़ताल खत्म कर दी है और वो काम पर वापस लौट रहे हैं और 11 दिन की हड़ताल थी और इसके साथ ही जो बाकी दूसरे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन वो भी मुझे लग रहा है कि 1 से 2 घंटे में उनकी मीटिंग अभी चल रही है, 1 से 2 घंटे में वो भी हड़ताल से वापस आ जाएंगे क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप लोग काम पर लौटिए, इनकी जो मांग थी उस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि उस पर विचार किया जाएगा लेकिन उससे पहले आप काम पर वापस लौटिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद ही मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर ने हड़ताल वापस ली है और उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1 से 2 घंटे में बाकी रेजिडेंट डॉक्टर भी अपने काम पर लौटेंगे और हड़ताल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, जो मरीज हैं उनके लिए बेहद राहत की खबर है क्योंकि काफी दिन से जो मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आज की जो सुनवाई है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और आश्वासन के बाद ये हड़ताल खत्म हुई है। निश्चित तौर पे देखिए, बीते 11 दिन से अगर हम बात करें पूरे देश में और बाकी 13-14 दिन से वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से डॉक्टर नाराज थे और उन्होंने हड़ताल किया था उसका असर सीधा सीधा जो
मरीज थे उन पर पड़ रहा था, जितने भी प्लांट सर्जरी थी वो कैंसिल हो जा रही थी, एम्स में मात्र 10% सर्जरी हो पा रही थी। सोचिए कि जो लोग लंबी लंबी दो दो तीन तीन महीने चार महीने छह महीने पहले से अपॉइंटमेंट लेकर के हैं और उनकी सर्जरी कैंसिल हो जा रही, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि दिल्ली से बाहर के लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, तो ऐसे मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। दूसरी बात जो डॉक्टर की मांग थी उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके जो बाकी दूसरी मांग थी उसको उस पर विचार करने के लिए एक टास्क फोर्स भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनाया गया है और कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया है, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में 14 सदस्यीय टास्क फोर्स इन तमाम मुद्दों पर इनके जो मांग है उस पर विचार करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप लोग अब काम पर वापस लौटिए, आपकी बातों को सुनी जा रही है। आज जब स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और पश्चिम बंगाल के जो पुलिस थी उन्होंने जो स्टेटस रिपोर्ट सबमिट किया, उसके बाद ये फैसला लिया रेजिडेंट डॉक्टरों ने, और ये एक बड़ी राहत की खबर है दोनों के लिए। एक तो रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए जो लंबे अरसे से करीब 11 दिन से सड़कों पर थे, साथ ही साथ मरीजों के लिए। बिल्कुल नितेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अब उम्मीद की जाएगी कि जो अन्य जगहों पर डॉक्टर हड़ताल पर हैं वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी, और इस बारे में जो बातचीत का सिलसिला था वो भी लगातार जारी था। सुप्रीम कोर्ट ने तो आश्वासन दिया ही है, केंद्र सरकार की तरफ से भी देखे तो लगातार जिस तरह से शुरुआत में ही स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई, उसके बाद जो है लगातार जो डॉक्टर्स से बातचीत की बात लगातार जारी थी, जो प्रशासन था वो भी बातचीत की बात कर रहा था, तमाम जो इस मामले में पूरे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं उनको देखते हुए एक सकारात्मक नोट इसे कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जो जिस तरीके से घटना हुई थी और कई बाकी दूसरे राज्यों में कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिससे डॉक्टर बहुत आक्रोशित थे, और उनका ये भी कहना था कि एक तो सुरक्षित वातावरण मिले, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो और वो सेफ महसूस करें, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर उनका आवास ही होता है अस्पताल, और वहीं पर वो 36 घंटे 48 घंटे काम करते हैं। ये तमाम ऐसी मांग थी जिसको लेकर के वो लोग संघर्ष कर रहे थे सड़कों पर थे, और लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी आश्वासन दिया जा रहा था, केंद्र सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया जा रहा था कि आपकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। तो ये उनकी जो मांग थी वो जायज भी थी कई हद तक, जब हम लोगों से भी बात कर रहे थे वो भी कह रहे थे कि डॉक्टरों की मांग जायज है, और ये जो भावनाएं थी उनकी, देश भी उनके साथ खड़ा था, और सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम एक टास्क फोर्स के जरिए आपकी बातों को गहराई से देखेंगे सुनेंगे, और उसपे जो सुझाव टास्क फोर्स देगा उस पर आगे सरकार कदम उठाएगी। ये तमाम ऐसी बातें थी जिसको डॉक्टर ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई आगे होगी, और यही वजह थी कि वो लोग काम पर वापस लौटे। इसके लिए सरकार भी काफी प्रयास कर रही थी और जनता की तरफ से भी एक तरह से माना जाए कि उनकी सहानुभूति थी। तो कुल मिलाकर अब रेजिडेंट डॉक्टर वापस आ गए हैं, और अगले दो घंटे में मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो दूसरे रेजिडेंट डॉक्टर के एसोसिएशन है वो भी हड़ताल वापस लेंगे और काम पर लौटेंगे, तो मरीज के लिए भी डॉक्टर के लिए भी सबके लिए बेहतर खबर है ये। बिल्कुल, मरीजों का इलाज जो है वो डॉक्टर्स की सर्वोच्च प्राथमिकता होता है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी होता है, और शिद्दत से डॉक्टर इसका पालन भी करते हैं। तमाम घटनाक्रम पर और इसके बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए, कुछ डॉक्टरों से आपकी बातचीत भी हुई होगी, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया रही नितेंद्र? डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अब हमें सुप्रीम कोर्ट से आश्वासन मिल गया है और जब टास्क फोर्स है उन तक अपनी बात वो कहेंगे, क्योंकि एक वेब पोर्टल खोलने की बात की जा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि जितने भी स्टेक होल्डर होंगे वो अपनी बातों को अपनी समस्याओं को रखेंगे। जो टास्क फोर्स बनी हुई है उसके बाद ये टास्क फोर्स एक रिपोर्ट सौंपेगी गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को भी, क्योंकि दो महीने के अंदर फाइनल रिपोर्ट सौंपना है इस टास्क फोर्स को। तो ये सब मुद्दा, जितनी भी इनकी मुद्दा है, समस्याएं हैं, वो इसको अपने सामने टास्क फोर्स के सामने रखेंगे, और इसको लेकर के लोग संतुष्ट नजर आए। और इनका भी कहना है डॉक्टरों का कि हम लोग मरीजों का हित चाहते हैं, मरीजों का ख्याल रखते हैं, और हम उनके ख्याल को देखते हुए ही हम हड़ताल से वापस आ रहे हैं। डॉक्टर बार बार ये कह रहे थे कि हमारा पेशा है, हमारी सर्विस ही है मरीजों की सेवा करना, हम नहीं चाहते कि बार बार मुझे हड़ताल हमें करना पड़े, लेकिन सुरक्षा उनके लिए बहुत बड़ा अहम एक मसला था
जिसको लेकर के वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़े व्यापक पैमाने पर इस मामले को देखा है, केवल बंगाल की बात नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है डॉक्टरों की सुरक्षा का, जिसको गहराई से विचार नेशनल टास्क फोर्स करेगा और उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी तो उसको पूरे देश भर में एक तरह से लागू भी किया जाएगा। तो ये तमाम ऐसे विषय थे जिससे संतुष्ट होकर के डॉक्टर वापस लौटे हैं काम। बिल्कुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हालांकि जो पश्चिम बंगाल में घटना हुई उसमें पश्चिम बंगाल प्रशासन के प्रति जो डॉक्टर्स में पूरे देश भर में आक्रोश था, डॉक्टर्स में बहुत गुस्सा था, एक असुरक्षा की भावना भी थी, इसके अलावा जो बंगाल पुलिस थी उसके रवैये पे भी बड़े सवालिया निशान थे, उन सबको देखकर जो ये असंतुष्टि थी ये कहीं ना कहीं स्वाभाविक भी लगती थी। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार बीच में आई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बातचीत शुरू की और उसके बाद सीबीआई जांच है वो शुरू हुई, मामले में तेजी आती दिखी, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, ये सब भी एक तरह से आश्वासन देते हैं कि देश में एक बड़ा तंत्र है जो नजर रखे हुए है सब चीजों पर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से घटना घटी थी पश्चिम बंगाल में और जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन, अस्पताल प्रशासन ने कदम उठाया वो अच्छा नहीं था, और ये बात सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान भी चीफ जस्टिस और उनकी टीम ने ये कहा है कि बहुत अच्छा रवैया नहीं था और एक जो कानून का पालन होना चाहिए, जिस तरीके से उस प्रक्रिया का जो पालन होना चाहिए वो नहीं हो पाया, और यही वजह रही कि आज काफी दो दिन पहले भी फटकार लगी थी पश्चिम बंगाल प्रशासन, पश्चिम बंगाल सरकार और वहां के प्रशासन के को, और आज भी कई सारे सवाल खड़े किए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है ये, और सिर्फ एक बंगाल की बात नहीं है, पूरे देश भर में अगर बेहतर सुरक्षित वातावरण मिले डॉक्टरों को, ये जरूर सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया, और यही वजह है कि एक बड़े पैमाने पर आपने देखा कि 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में बनाया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर काफी संख्या में मेडिकल प्रोफेशनल है, जो काफी सीनियर डॉक्टर्स हैं उसमें, वो सुझाव देंगे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा और सरकार को भी लगा कि इसको एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि अस्पताल में 24 घंटे काम करते हैं डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, और कई ऐसे ब्लैक स्पॉट होते हैं जहां पर उनका जाना ठीक नहीं होता है, महिलाएं वहां बड़ी संख्या में 24 घंटे रात दिन ड्यूटी करती हैं, तो अगर उनको सुरक्षित वातावरण नहीं दिया जाएगा तो वो मरीज से कैसे देखभाल करेंगे। ये महसूस सभी स्तर पे, चाहे वो केंद्र सरकार हो, स्वास्थ्य मंत्रालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आम जनता, मैं 3 दिनों से मैं अस्पतालों में जा रहा हूँ, पब्लिक की सहानुभूति भी डॉक्टरों के साथ है कि नहीं वो जो मांग कर रहे हैं वो सही है। तो सोचिए कि जनमानस की मांग भी यही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आपके यही वजह है कि डॉक्टर जो हैं वो मानवीय दृष्टिकोण भी देख रहे हैं, और हालांकि ये संवेदनशील मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, कई नई जरूरतों को भी रेखांकित किया है, और इन सब पर जो है आगे किस तरह की कार्रवाई होगी इसके लिए भी एक रास्ता तैयार हुआ है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। बहुत शुक्रिया नितेंद्र पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, कोलकाता रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सियालदह की ACJM कोर्ट को आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की मांग वाली CBI की याचिका पर कल शाम 5 बजे से पहले फैसला लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स को सुझाव देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक वेबसाइट बनाए जिस पर सभी स्टेक होल्डर्स NTF को अपना सुझाव दे सकें। CJI ने कहा कि राज्य आरजी का घटना की खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। CJI ने कहा कि काम पर वापस लौटने वाले डॉक्टरों के खिलाफ बंगाल सरकार किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके यहाँ अस्पताल पर हमले की किसी भी आशंका से निपटने के लिए वो तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए DD न्यूज। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल, इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अयोध्या के मदरसा में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान के खिलाफ यूपी सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है। यूपी सरकार ने इस क्रम में मोइन खान के ठिकानों पर कार्रवाई तेज कर दी है। उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल सरकारी तालाब और चक्रोड़ की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के दौरान फोर्स और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस संबंध में क्षेत्राधिकार पुलिस आशुतोष तिवारी ने बताया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सपा नेता पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आसपास के क्षेत्रों को खाली करा दिया गया है। व्यवस्था के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। जो जहां ये कार्रवाई हो रही है उसके आसपास के क्षेत्रों को खाली करवा दिया गया है। आसपास के घरों में भी हमने देख लिया कोई व्यक्ति न हो, और साथ ही पर्याप्त पुलिस बल है, दूरी से हमने ट्रैफिक भी रोका हुआ है। तो यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई। अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मोइन खान ने जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। जमीन का नक्शा पास नहीं था, जिसे देखते हुए प्राधिकरण द्वारा कई बार नोटिस भी जारी किया गया था। ये बिल्डिंग जो है अपना अवैध निर्माण था, इसमें तालाब की जमीन पे और चक्रोड की जमीन पे इसका कब्जा था। इसके अलावा जो है इसमें नक्शा पास नहीं था, जिसको प्राधिकरण द्वारा पूर्व में भी कई बार नोटिस जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी न तो इनके द्वारा नक्शा समन मानचित्र दाखिल किया जा रहा था, न ही कोई प्रकार का जो है उसमें इंटरेस्ट लिया जा रहा था। तो इसमें दोस्तीकरण आदेश हमने जून में पारित कर दिया था, जो तो उसी के तहत ये जो है उसी दोस्तीकरण आदेश को यहाँ पर आज एक्टिवेट कराया जा रहा है। देश में कारोबारी गतिविधियों में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। एक निजी सर्वे के मुताबिक अगस्त माह के लिए देश का कंपोजिट पीएमआई 60.5 दर्ज किया गया है। जुलाई माह में कंपोजिट पीएमआई का आंकड़ा 60.7 दर्ज किया गया था। लंबी अवधि से औसत 54.6 की तुलना में पीएमआई के ताज़ा आंकड़े दिखाते हैं कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों सेक्टर्स में पीएमआई के आंकड़ों को मिलाकर कंपोजिट पीएमआई का आकलन किया जाता है। पीएमआई किसी भी सेक्टर में मिलने वाले नए ऑर्डर्स की स्थिति को दर्शाता है। अगर पीएमआई 50 से ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि नए ऑर्डर्स में बढ़ोतरी हुई है और कारोबारी गतिविधियों की मांग बढ़ी है। इसके उल्टे अगर पीएमआई 50 से नीचे हुआ तो इसका मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी दर्ज की गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक साल से तेजी दर्ज की जा रही है, हालांकि रफ्तार में थोड़ी सुस्ती नजर आई है। दूसरी ओर सर्विसेज सेक्टर में लगातार 32 महीनों से तेजी का ही रुख नजर आ रहा है। भारत से मोबाइल फोन का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में मोबाइल फोन का निर्यात 6.49 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 39% अधिक है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान एप्पल के आईफोन का है। पीएलआई स्कीम की घोषणा के बाद निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। आंकड़ों पर विस्तार से नजर डालें तो वित्त वर्ष 2023 की तुलना में फोन निर्यात में 159% की वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2025 के जुलाई में कुल निर्यात 1.6 बिलियन डॉलर को पार करने की बात है, जो पिछले वर्ष इसी माह की तुलना में 68% की बढ़ोतरी दिखाता है। वहीं चालू वित्त वर्ष में लगातार चौथे महीने एप्पल के आईफोन निर्यात ने 1 बिलियन डॉलर को पार कर लिया है, और पहले चार महीनों में भारत से कुल आईफोन का निर्यात 4.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अकेले आईफोन निर्यात चार महीने की अवधि के दौरान भारत से कुल मोबाइल निर्यात का लगभग 70% है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा कल से आयोजित की जा रही है। 60,244 पदों के लिए 48,00,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सॉल्वर गैंग और पेपर लीक करने वाले अराजक तत्वों पर नजर बनाए हुए है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को इस बार नकल विहीन, शांतिपूर्ण और शुचितापूर्ण बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। ये व्यवस्था में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है, जिसकी वजह से जो विद्यार्थी वहाँ परीक्षा के लिए आ रहे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन हो सके, और शुचिता के साथ जो परीक्षार्थी जिस केंद्र पर परीक्षा के लिए आधार प्रवेश पत्र निर्गत किया गया वही प्रवेश करे,
यदि कोई फोर्जिफिकेशन करने का कोशिश करता है, यदि कोई गलत परीक्षार्थी परीक्षा देने की कोशिश करता है, जैसा कि पीछे आप लोग सुने होंगे, तमाम प्रकार के साल्वर्स भी दूसरे के नाम पे परीक्षा देने की कोशिश करते हैं, उनके लिए थानाध्यक्ष पर टीम गठित करके पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जो गलत लोग हों और इस जाँच में आए, सुनिश्चित हो जाए कि ये गलत परीक्षार्थी आया है, डुप्लीकेट परीक्षार्थी बन के आया, उसको पुलिस मुकदमा लिख करके और जो अग्रिम पुलिस कार्रवाई है वो की जाएगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग सक्रिय मोड में आ गया है। चुनाव प्रक्रिया को बेहतर और सुचारू बनाने के लिए प्रेक्षकों की ब्रीफिंग बैठक की गई। बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पुलिस पर्यवेक्षकों, सामान्य पर्यवेक्षकों और व्यय पर्यवेक्षकों से कई मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया कि वे मतदाताओं और राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करके सकारात्मक चुनावी माहौल तैयार करें, ताकि अधिक से अधिक मतदाता चुनावी प्रक्रिया में शामिल होकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। चुनाव के दौरान मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए तैयार हैं। तीन प्रकार के ऑब्जर्वर्स को हमने आज बुलाया था, जिसमें जनरल ऑब्जर्वर्स हैं, पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं। सबको कहा गया है दो तीन चीजें खास तौर से। एक तो फील्ड में उपलब्ध रहेंगे, हर कैंडिडेट के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ऑब्जर्वर्स को उपलब्ध रहना चाहिए, अपने न्यूज़पेपर में फोन नंबर्स पब्लिश करने चाहिए और एक जगह पर एक घंटा दो घंटा निश्चित रूप से बैठे रहेंगे ताकि लोग उस समय आ सकें। जितनी भी इंतजाम है उसको फेयर और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कराएंगे। ये जो आरओज हैं, जो डीओज हैं, उनके ऊपर में इस बात पे ऑब्जर्व करते रहेंगे। जेएनके में लोगों में चुनाव में भाग लेने का भारी उत्साह है, ऐसे हमें वहां गए थे तब भी पता लगा था, ऐसी अब नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया उससे भी पता लगता है। हम और हमारे सारे ऑब्जर्वर इस बात को फैसिलिटेट करेंगे कि जो जिस जगह में फ्रीली वोट देना चाहते हैं वो वहां वोट दे। लेह लद्दाख के दुर्बुक उपखंड में एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। बस सड़क से फिसल कर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें करीब 25 लोग सवार थे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।